नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर एक बार फिर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लग गया। मैं बताऊं आपको कि कल सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया में जोर शोर से यह बात की चर्चा आम हो गई कि निकी हेम्ब्रम विधायिका पर अमर्यादित टिप्पणी बिहार के मुखिया यानी सीएम नीतीश कुमार ने कर दी। पत्रकारों ने जब पूछा तो निकी हेम्ब्रम विधायिका भारतीय जनता पार्टी कोटे की, उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लेन भेजा गया है, वहां से सिग्नल मिलने के बाद मैं कुछ कार्रवाई के बारे में सोचूंगा। मैं बताऊं आपको कि नीतीश कुमार सहित अन्य विधायकों की बैठक थी। बैठक में निकी हेम्ब्रम जो आदिवासी समाज की महिला विधायिका है, उसने आदिवासी समाज के लिए मामले उठाए और महुआ की खेती पर जिक्र किया। इसी में नीतीश कुमार उठ खड़े हुए और नीतीश कुमार ने निकी हेम्ब्रम को कहा, आप बहुत ही सुंदर हैं और आपकी सुंदरता देखने लायक है, आप सुंदर हैं। ऐसी बात कहने से यह बात सोशल मीडिया में और विपक्षी के बीच आई और सबने इसका विरोध किया कि एक आदिवासी महिला जो विधायिका है उसके बारे में यह टिप्पणी करना, सुंदरता का बखान करना, यह अमर्यादित है। उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पर आपत्ति दर्ज किया और ट्वीट करके इस तरह के टिप्पणी की निंदा की है। और नीतीश कुमार चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आदिवासी महिला के सुंदरता की बखान नहीं करना चाहिए, यह बात कहा जा रहा है। अब निकी हेम्ब्रम आदिवासी समाज की महिला है, आदिवासियों के लिए आवाज उठाती है और नीतीश कुमार ने ऐसा कहा, इस बात को दो तरफ से आप ले सकते हैं। नीतीश कुमार जी निकी हेम्ब्रम को खुश करने के लिए भी कह सकते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, और एक पक्ष यह आप समझें। दूसरी पक्ष यह भी हो सकता है कि उन्हें चुप कराने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरह की बात करी हो। अब जो भी हो, लेकिन निकी हेम्ब्रम को भी यह बात बुरा लगा कि उसने मेरे सुंदरता का बखान किया और सार्वजनिक रूप से किया। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के पास निकी हेम्ब्रम ने कंप्लेन भेजा है और कंप्लेन पर अब क्या कार्रवाई होती है, क्या भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है, उस आधार पर ही विधायिका निकी हेम्ब्रम कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ेगी, ऐसा बात कहा जा रहा है। लेकिन विपक्षियों ने इस बात को लेकर विरोध जताया है कि नीतीश कुमार को इस तरह का टिप्पणी विधायिका के विषय में नहीं करना चाहिए, अनुचित है। अब जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी की उम्र भी हो गई है, उनकी जुबान भी फिसल जाती है, हो सकता है कि उनकी जुबान फिसल गई हो और वो सार्वजनिक रूप से सुंदरता की बखान कर दिए हो। चूंकि कहा जाता है यह कि आदिवासी समुदाय में सुंदरता की कमी होती है। अब जो भी हो, लेकिन विरोध हो रहा है, इस तरह की बात नीतीश कुमार जी को नहीं करनी चाहिए, यह रोहिणी आचार्य ने भी कहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।